हेलो लर्नर्स, माय सेल्फ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, तो अभी हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने किया था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर। तो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोगैस। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन रेज में क्या होता है, सन रेज से हमें थोड़ा हीट फील होती है ना, तो सन रेज को हम आगे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज से हमें वो सन रेज मिल रही है, ठीक है, और सन रेज जब हमें मिल रही है तो हम क्या करेंगे कि मिलते ही हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, सोलर एनर्जी में। नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज द पीवी, इनके फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। क्लियर, तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो इंडिया जो है ना, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद क्या है कि हमारी कंट्री में इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है ना, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो हम जैसे इक्वेटर के जो सराउंडिंग एरिया में होते हैं, आसपास एरिया में होते हैं, वहां पे सन जो है ना सनराइज जैसे जितना जल्दी करता है, तो वहां पे सोलर एनर्जी प्लांट बहुत ज्यादा लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सनरेज जो है बहुत कह लो कि क्लोज पड़ती है उस एरिया में। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है एंड इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी से क्या होगा कि फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यही मैंने बताया कि फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें करती है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ पे है? माधोपुर नियर भुज। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है माधोपुर नियर भुज, वो प्लांट किस लिए हम लोग वहां पे, प्लांट का यूज क्या है? स्टरलाइजिंग द मिल्क कैंस। देखिए मित्रों, बात को समझिया, मिल्क कैंस को स्टरलाइज करने के लिए वहां का सोलर प्लांट कैसे यूज किया जाता है, देखिए आप, मिल्क में बैक्टीरिया होता है, मिल्क कैंस जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम को मतलब एल्यूमिनियम के एक तरह से जो कंटेंट पाया जाता है, जो हार्मफुल होता है, उसे हमने क्या करना था, उसको एक तरह से मतलब उसे हार्मफुल कंटेंट को जो है हमने रिमूव करना होता है, उसे स्टरलाइज करना होता है। तो मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है उसे खत्म करने के लिए उसे स्टरलाइज करना होता है, तो स्टरलाइज करने के लिए सोलर प्लांट जो है वहां पे लोकेट किया गया है, जो यूज किया जाता है। तो लार्जेस्ट सोलर प्लांट इंडिया का कहाँ पे है? माधोपुर एट भुज, नियर भुज, और वो किसके लिए क्यों खोला गया है, क्यों बनाया गया है? स्टरलाइजिंग मिल्क कैंस को स्टरलाइज करने के लिए। क्लियर, उसके बाद है हमारा, अब सोलर एनर्जी सोलर प्लांट्स के खुलने से हमारे रूरल हाउसहोल्ड्स को क्या रिलीफ मिला, उन्हें क्या बेनिफिट हुआ है, ये भी तो हमें ना, अब सिर्फ सोलर एनर्जी से क्या होता है कि मतलब एक तरह से कह लो कि बिजली बन जाती है किसे, हम फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी को यूज करके, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है किसको, सोलर जो सनलाइट होती है, सनरेज होती है, उसे कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो उसका रूरल हाउस होल्ड को उससे क्या रिलीफ मिला, उससे क्या बेनिफिट मिला? यस, रूरल हाउस होल्ड जब सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो वो फायरवुड और काउडंग केक्स का यूज जो है वो क्या कर दिया उन लोगों ने, कम कर दिया। काउ डंग केक्स का यूज जो है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। क्लियर, ये कम हो गया। ठीक है, उसके चलते क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया है, क्योंकि देखिए फायरवुड और काउ डंग केक्स जब वो बनाते थे और जब उसे यूज किया जाता था, जलाते थे जब उससे क्या होता था, पोल्यूशन होता था, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट होता था। लेकिन अब वो क्या यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी से जब वो यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेटिव, इन्वायरमेंट जो है हमारा इससे कंजर्व हो रहा है। इसके अलावा जब वो काउ डंग केक्स नहीं बनाएंगे तो वो जो काउ डंग है वो कहां पे यूज होगी, सप्लाई ऑफ मैन्योर में, उसे खाद बनाई जा सकती है, और वो मैन्योर जो है हम अपने फार्म में यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। तो इसके हमें तो ये बेनिफिट्स मिले हैं अगर रूरल हाउसहोल्ड जो है सोलर एनर्जी यूज करते हैं, तो उन्हें इस चीज से ये रिलीफ मिला है।
तो फायरवुड और काउडंग केक्स का यूज जो है कम हो गया है, इससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बढ़ा है और सप्लाई ऑफ मैन्योर जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं विंड एनर्जी या विंड पावर की। विंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, विंड एनर्जी में क्या है, पोटेंशियल ऑफ विंड पावर होती है, विंड पावर इनकी विंड एनर्जी होती है। इंडिया के पास तो खास करके बहुत ज्यादा है, वो कैसे है देखिए आप, इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। जितने भी हिली एरियाज होते हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा अगर आप गए हो वहां पे, जितने भी हिली एरियाज होते हैं ना वहां पे विंड मिल्स लगी होती हैं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि शायद ये विंड मिल से क्या होता है, हवा चलेगी ये घूमेंगी तो हवा मिलेगी, नहीं वो हवा देने के लिए नहीं होती है, वो जब फास्ट फास्ट घूमती है तो उससे पावर जनरेट होती है, उससे बिजली बनती है, क्लियर। तो हिली एरियाज में हवा बहुत फास्ट चलती है तो वहां पे विंड मिल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो विंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है किसका, पावर जनरेट करने का। सन में तो होता ही होता है, और सोलर एनर्जी तो तब तक चलती रहेगी जब तक सन है, तो सन तो फॉरएवर रहेगा, तो सोलर एनर्जी हम जो है हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही विंड एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है क्या, पावर जनरेट करने का। और हमारे इंडिया में तमिलनाडु में लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, हमारे तमिलनाडु में लार्जेस्ट फार्म क्लस्टर है, ठीक है, सॉरी विंड फार्म क्लस्टर है, फ्रॉम नगरकोइल टू मदुराई। तमिलनाडु में नगरकोइल टू मदुराई जो है लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है, क्लियर। उसके बाद इसके अलावा और कहां कहां पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। विंड फार्म्स का मतलब क्या है, वहां पे विंड मिल्स होती है, विंड मिल्स आगे पावर जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, उनसे बिजली बनती है, और वो बिजली हम अपने घर पे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करने के लिए, चलाने के लिए यूज करते हैं, क्लियर। अब देखिए दोबारा से बता रही हूँ, नगरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। मेन नगरकोइल और जैसलमेर का नेम है जो जहां पे विंड एनर्जी को इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है, विंड एनर्जी यानी के थ्रू द विंड मिल, ये तो ये था हमारा विंड एनर्जी के बारे में कि विंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। और तमिलनाडु में नगरकोइल से मदुराई तक विंड फार्म जो है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप विंड फार्म्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, नगरकोइल और जैसलमेर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी के लिए वेल नोन है, जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, व्हेन वी डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में हम क्या लेते हैं, शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट इज यूज, ये इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बायोगैस बनता है, क्लियर। शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द रूरल एरियाज, क्लियर। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो उससे क्या बनता है, गैस बनती है, क्लियर। और उस गैस की हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है, मीन्स बर्निंग एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डंकेक्स, चारकोल एंड कैरोसिन। कैरोसिन, चारकोल और डंकेक्स में इनकी बर्निंग या ये कह लो कि इनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती जितनी ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके जो बायोगैस बनती है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है उसमें, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज द गोबर गैस। यस, रूरल एरियाज में जितने जो काउ डंग होती है उसको हम यूज करके एक प्लांट बनाते हैं, दैट प्लांट इज नोन एज द गोबर गैस। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हमारे जैसे इस एरिया में येलो पाइप्स लगे हैं डायरेक्ट एलपीजी के लिए, जो आप लोगों के घर में गैस आती है ना, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो वो, उसके लिए जो है ना येलो कलर के ना पाइपलाइन बिछी हुई है, तो वो पाइपलाइन तो अब बिछी है, लेकिन जो गोबर गैस प्लांट्स है ना ये रूरल एरिया में बहुत पुराने से हैं। इवन मैं बताती हूँ, जो मेरा मेटरनल हाउस है, मेरा नानी हाउस है, वहां पे भी एक गोबर गैस प्लांट था, वो रूरल एरिया में रहते थे, वहां गोबर गैस प्लांट था। उसमें क्या था कि आप वो गैस जो होती है ना उसको
ऑन करो। आज की डेट में तो हम लोग अपनी गैस पे लाइटर यूज करते हैं, वो ऑन करते ही फ्लेम आ जाती थी, गोबर गैस प्लांट ऐसा होता। क्लियर? तो प्लांट यूजिंग कैटलडक आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन द रूरल एरियाज। अब जो गोबर गैस प्लांट यूज कर रही होती है ना, जो रूरल पर्सन होते हैं, उनको उसके दो फायदे मिलते हैं, ट्विन बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही है कि ये हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही है, दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ मैन्योर, मैन्योर मिलता है उनको कैसे। देखिए जो काउडंग यूज की जाती है ना गोबर गैस प्लांट में, वो तो यूज हो गई है, उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को ड्राई करके मैन्योर बन जाता है। वो मैन्योर हम अपने फील्ड्स में यूज करते हैं, और वो मैन्योर जो है हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का मैन्योर होता है। उसके बाद प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज। यस, सपोज कि आप गोबर गैस प्लांट नहीं यूज करते हैं, तो अगर आप गोबर गैस प्लांट नहीं यूज करोगे तो आप क्या करोगे, फायरवुड यूज करोगे या ये काउडंग केक्स यूज करोगे। तो जब आप इनको यूज करोगे तो आप क्या करोगे, ट्रीज को कट करोगे, और जब आप जलाओगे तो दूसरी बात यह कि इन्वायरमेंट भी पोल्यूट होगा। क्लियर? तो इन्वायरमेंट जब पोल्यूट होगा, लेकिन जब आप गोबर गैस प्लांट यूज करते हो तो ट्रीज का लॉस जो है वो बच जाता है, फायरवुड आप यूज नहीं करते। क्लियर? और फायरवुड इनके फायरवुड आप यूज नहीं करोगे तो प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ ट्रीज, लॉस ऑफ ट्रीज जो है वो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसके हमें दो फायदे मिलते हैं, अगर हम गोबर गैस प्लांट यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ मैन्योर, मैन्योर मिल जाती है, और हमें ट्रीज जो है, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो डाउन हो जाता है। क्लियर? एक बार इसको मैं बता रही हूँ, ट्विन बेनिफिट्स कैसे हैं, गोबर गैस प्लांट यूज करने से हमें एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है, हमें गोबर गैस मिल जाती है, दूसरा क्या है, गोबर गैस में जो काउडंग हम यूज करते हैं उसके यूटिलाइजेशन के बाद जो और वेस्ट मटेरियल उसमें से बाहर निकलता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग में बाहर निकलता है वो हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ये चीज नहीं यूज करते, ठीक है, गोबर गैस ना यूज करते तो हम फायरवुड यूज करते। क्लियर? तो फायरवुड यूज करते तो हमारा लॉस ऑफ ट्रीज होता, लेकिन आज की डेट में अगर गोबर गैस यूज करते हैं तो हमारा लॉस ऑफ ट्रीज नहीं हो रहा, मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है वो कम हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द बायोगैस एंड ऑल्सो द विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। आई थिंक ऑल दीज थ्री नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्लियर टू यू, इनमें कोई डाउट नहीं है आपको। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आपका जियोथर्मल रह गया, और रह गया आपका टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड विद दैट योर चैप्टर विल बी ओवर। ओके, टिल देन, बाय।